हेलो एवरीवन, दिस इज चंदन साळगावकर। और दोस्तों, आज की हम बात करेंगे कि IBPS प्लस मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होगा। बगैर दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ वीडियो के लिंक देखे रहे डिस्क्रिप्शन में, तो आपने अगर तो वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर आके देखिएगा कि मैंने एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर किए थे और क्या मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने मिले एंड क्या मेरी स्ट्रैटेजीज थी, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स आप दे चुके हो, रिजल्ट भी आ जाएगा 2-3 दिनों में, लेकिन आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने चाहिए विद द होप कि आप क्लियर हो सकते हो। और 20 जनवरी को मेन्स है। सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के लिए, 35 मिनट, ओके। इंग्लिश का जो रहेंगे 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के लिए, 35 मिनट्स। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो रहेगा वो रहेंगे 50 क्वेश्चंस लेकिन 60 मार्क्स के लिए और 45 मिनट्स का टाइमर रहेगा। और लास्ट मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहूँ तो 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स एंड 45 मिनट का टाइम रहेगा। मतलब टोटल आपको 190 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका मार्क्स में कन्वर्जन कहूँ तो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और टाइमर होगा 160 मिनट्स, 160 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न होगा, मतलब आपको हर सेक्शन में भी जैसे मेंस में होता है टाइमर मिलेगा। अब दोस्तों, मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ वो है सिलेबस। हालांकि आप थोड़ा बहुत सिलेबस जानते भी होंगे क्योंकि आपने क्लर्क प्रीलिम्स का दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क डेफिनेटली है। तो वो सारे जो सेक्शन है इसका मैं सिलेबस लेके आया हूँ, जिसके हम डिटेल में भी बात करेंगे। सबसे पहले शुरू कर दोस्तों रीजनिंग से। रीजनिंग में सबसे बड़ा चैप्टर जो होने वाला है पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। जिसमें मैंने जो पहले वीडियो में बताया था वो तो सारे पजल करने ही है, जैसे कि लीनियर, सर्कुलर, फ्लोवर, और अभी आप इनसाइड आउटसाइड या फेसिंग आउटसाइड सेंटर, सारे डरावने पजल एक्सपेक्ट करना, ठीक है। इसका डिटेल मैं थोड़ा सा बाद में बताता हूँ, सिलेबस खत्म बता देने के बाद, ठीक है। सिलोगिज्म, सिलोगिज्म ओल्ड और न्यू दोनों पैटर्न में से कोई भी आ सकता है, मतलब रिवर्स सिलोगिज्म भी आपको पॉसिबल है अभी। इनइक्वालिटी बोथ एक्सपेक्टेड, दोनों भी आ सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देन ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनपुट आउटपुट एक्सपेक्टेड रहेगा क्योंकि ये मेंस का एग्जाम है। फिर ऑड मैन आउट, मतलब मैं कुछ 4-5 नाम दूंगा जिसमें से कोई एक ऑड रहेगा या पैटर्न फॉलो नहीं करता होगा, वो आपको बताना है। फिर एनालॉजी रह सकती है, एनालॉजी कैन बी न्यूमेरिकल ऑल्सो, इट कैन बी अल्फ़ाबेट ऑल्सो, या फिर दोनों का अल्फ़ा न्यूमेरिक मिक्स करके भी हो सकता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट रहेंगे, वर्ड फॉर्मेशन रहेंगे। वर्ड फॉर्मेशन मतलब मैं आपको कोई एक मान लो इंजीनियरिंग एक वर्ड दिया, तो मैं आपको बोलूँगा कि उसके 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th ये लेटर्स कलेक्ट करो और इनमें से इंग्लिश के मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करो। देन अल्फा न्यूमेरिक टेस्ट जो आप पहले देख चुके हो, रैंकिंग टेस्ट, टाइम टेस्ट, नंबर टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशियंसी, जो मुझे श्योर शॉट लग रहा है डेटा सफिशियंसी डेफिनेटली आने वाला है 4-5 मार्क्स का। देन एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग मतलब स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन एंड कॉज एंड इफेक्ट और इन्फरेंस, यानी 6 के 6, मतलब अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज इफेक्ट एंड इन्फरेंस। इन्फरेंस मतलब मैं आपको एक शॉर्ट पैसेज दूंगा और उससे पूछूंगा कि वॉट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। तो ये लगभग रहा कुछ रीजनिंग का। इंग्लिश, इंग्लिश में RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूडिंग वोकेबुलरी होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स सिंगल भी आ सकते हैं, डबल भी आ सकते हैं। देन स्पॉटिंग एरर दोनों टाइप के आ सकते हैं, कि सिंपल वाला ही एरर दूंगा या फिर कॉम्बिनेशन में एरर दूंगा, या फिर एक रिवर्स टाइप है। रिवर्स टाइप मतलब वो मेन्स एग्जाम में बहुत देखा गया है कि मैं 5 सेंटेंस दूंगा और या तो पूछूंगा इसमें से एक एरर है सेंटेंस वो निकालो, या फिर ऐसे बोलूँगा कि 4 सेंटेंस रॉन्ग है करेक्ट कौन सा है वो निकालो। अब ये उल्टा पुल्टा क्यों होगा पता है, बिकॉज ये मेंस लेवल का एग्ज़ाम है, तो याद रखना, सबके लिए तैयार रहना आप। देन क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट दोनों टाइप के आ सकते हैं, जो ओल्ड पैटर्न में मतलब ब्लैंक फिलअप करने, या फिर आपको वो रिवर्स मतलब आंसर पहले दे देंगे न्यू टाइप में, आपको बोलेंगे इसमें से कोई ऑप्शन सूटेबल है तो बताओ। देन सिमिलर एंड अपोजिट वर्ड्स आपको अलग से भी मिलेंगे। देखो RC में तो पूछते ही पूछते हैं, लेकिन अलग से पूछेंगे इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ कि वो आपको ऐसे कहेंगे कि एक वर्ड देंगे और 5 ऑप्शंस देंगे,
हाँ वो पैसेज का वर्ड नहीं होगा। अब एक ही प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट आते हैं। वो वर्ड का मतलब अगर आपको पता है तो ही आप बता सकते हो ना, सिमिलर या अपोजिट है। तो अच्छे से ये चीज़ पढ़ के जाना। ये मैंने देखे हैं 7-8 मार्क्स को आते हुए, मतलब 2 मिनट में जेब में जा सकते हैं। ओनली थिंग आपको मतलब पता होना चाहिए। आगे बढ़ते, पहला जंबल में ओल्ड पैटर्न है, या फिर ऐसा आ सकता है कि फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट में फिक्स रखूँगा और बोलूँगा कि अंदर के जो सेंटेंस है उसको जंबल अप करो, प्रॉपरली अरेंज करो। तो वो थोड़ा ट्रिकी रहता है, उस पर ज़रा ध्यान रखना। देन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट रहेंगे, सेंटेंस करेक्शन, फिर वर्ड एसोसिएशन रहेंगे। जैसे मैंने कहा था कि मैं एक वर्ड दूंगा और आपको बोलूँगा इस वर्ड का या तो क्लोजली सिमिलर या क्लोजली अपोजिट वर्ड दो, मतलब ये थोड़ा एडिशनल करके दिया पिछले वर्जन का। तो ऐसे भी वर्ड्स आ सकते हैं। देन थीम डिटेक्शन होता है, एक पैसेज दूंगा 5-6 लाइन का, बोलूँगा कि व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। ठीक है, ये पॉपुलर क्वेश्चंस हैं मेंस एग्जाम के लिए, ये आपने शायद प्रीलिम में देखे भी नहीं होंगे कभी, तो ये मेंस एग्जाम के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन पैरा कंप्लीशन और सेंटेंस कंप्लीशन, इट्स लाइक 4-5 लाइन्स आर देयर। ठीक है, और बीच में से मैं कोई एक लाइन गैप करूंगा, तो आपको पूरा पैसेज समझना और बताना है। और मैं 5 ऑप्शन दूंगा बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वहाँ पर फिक्स होता है ब्लैंक में। फिलर सी है, बट फिलर, लेकिन ये पैसेज है पूरा। तो ये ट्रबल क्यों लगता है, क्योंकि इतना पढ़ना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा इंग्लिश ट्रबल सम होता है। लेकिन आप तैयार है ना, मैंने काफ़ी डिटेल में इसके निकाले हैं सारे मीन्स का, मैंने एनालिसिस करके बनाया और लास्ट ईयर का भी अंदाज़ा लिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, मैथ्स। देखो दोस्तों, मैथ्स में तो सीरीज दोनों आ सकते हैं, मिसिंग और रॉन्ग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सपेक्टेड है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, देन डेटा सफिशिएंसी, या फिर इसको कह सकते हो क्वांटिटी बेस्ड आ सकता है, वो तो आएगा ही आएगा, दोनों में से कोई आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आने वाला है। देन मिसलेनियस में एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, टाइम वर्क, देन पाइप एंड सिस्टम्स, ये सारे मिसलेनियस रहेंगे। और लास्ट में बात करूँगा सबसे ज़रूरी चीज़ DI की। DI में मैं सारे आपको बता देता हूँ जो पॉपुलर है, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, टेबुलर चार्ट, बार चार्ट, ये 4 हो गए। देन कैसलेट DI है जो पॉपुलर हो चुका है। देन मिक्स्ड ग्राफ, मिक्स ग्राफ मतलब 2 या 3 ग्राफ रहेंगे, तो उसमें से आपको आंसर्स निकालने। और एक मिसिंग DI भी जो फेमस है, मिसिंग DI आपको फिलअप करना है। तो इन पे आप ज़रा फोकस करो, हालांकि सभी है मानता हूँ, बट इस पे फोकस करो आप तो आपका मार्क्स बढ़ेगा, क्योंकि मेंस में आप पूरे मार्क्स के लिए नहीं जाओगे। इट्स अ प्लान, आपको चोरों की तरह प्लान करना है कि मेरा एरिया क्या होगा और मैं क्या क्या इसमें अटैम्प्ट करूँगा। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जनरल अवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर बैंकिंग की बात करूँ तो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, RBI रिलेटेड रूल्स, RBI पॉलिसीज, देन बुक्स एंड ऑथर्स, देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फिर कोई रिसेंट डेथ हुई है किसी सेलिब्रिटी की किसी भी फील्ड में वो, स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, मार्केटिंग, कॉन्स्टिट्यूशन, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके हेडक्वार्टर्स, ये काफ़ी फेमस है, देन बैंक हेडक्वार्टर्स भी, देन SEBI, IRDA, FSDC के ऊपर कोई क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, ये सब चेंजिंग कुछ हुआ है तो उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में होगा, स्पेशली MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ 2 कंट्रीज़ में हुआ जो जनरली होते ही रहते हैं, इंडिया श्रीलंका, इंडिया चाइना, वो क्या था, फिर प्रोजेक्ट का नाम क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। कमिटीज़ के हेड कौन है, ढेर सारी कमिटीज़ बनाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वो ज़रा ध्यान से पढ़ना। और जहाँ तक स्टैटिक GK की बात करूँ तो कंट्री कैपिटल आ सकता है, फिर कंट्री करेंसी आ सकता है, देन इंडिया के पोर्ट्स, डैम्स, एयरपोर्ट, नेशनल पार्क, पावर प्लांट, या फिर कोई टॉलेस्ट या बिगेस्ट स्टैचू या कोई माउंटेन, इन ऐसी चीज़ें जो फिक्स है ये पूछी जा सकती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछा जाएगा कि फलाह किस्म की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से प्रांत में है, तो आपको बताना होगा। इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ भी रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, कुछ इस तरीके से आपका होगा GK। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना, क्लर्क मेंस में, मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, बट अभी बता दो थोड़े के लिए, मेंस में प्लानिंग थोड़ी शातिर तरीके से करना। ठीक है, बिकॉज मेंस क्लर्क है, क्लर्क का टैग लगा है ऊपर, लेकिन आजकल क्लर्क मेंस हो या PO मेंस लेवल एक ही रहता है। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ पेपर डिफिकल्ट आएगा, डरा नहीं रहा हूँ, जो मैंने पेपर में देखा है। और ये सब सिलसिला शुरू हुआ है 2016 से, 2016, 2017, 2018,
तो जो भी वो पेपर बने हैं काफ़ी डिफिकल्ट लेवल के आने लगे हैं, तो इसलिए मैं आपको रूबरू कर रहा हूँ और मैंने पेपर खुद वो देखे, उसके एनालिसिस बनाए प्रॉपरली, एक अंदाज़ा लिया। और ये साल भी यही हुआ पीओ मेंस में जो आईबीपीएस का हुआ है, जिन्होंने दिया उनको अंदाज़ा होगा। तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी एक्सपेक्ट करना, लेकिन डिफ़िकल्ट मेन चीज़ याद रखो, कट ऑफ गिरेगा, ठीक है? कट ऑफ गिरेगा मतलब एक सफिशियंट नंबर को टच करो। मैं कितने लोगों को देखा है, रीजनिंग 10 करके आए, 10 मिले उनको, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या होता है, सेक्शन क्लियर हो गया, क्योंकि वो जो रीजनिंग वो हमेशा 35 में से 28 निकाल देते, मेंस में जाके सीधा मतलब एकदम मुश्किल हो गया कि नया भी बार नहीं हो रही थी। पर उन्होंने फिर भी 10 किए 10 किए और बाकी के चैप्टर में या बाकी के सेक्शन में अच्छा स्कोर किया। तो दिमाग से, ध्यान से प्लानिंग करना आप लोग, ठीक ठाक से करना, हर एक सेक्शन के हिसाब से ही सोचना, और जो मैंने सिलेबस बताया इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा। और कोई भी सवाल पूछा रहेगा किसी भी सिलेबस या किसी सेक्शन के बारे में, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।